हाय फ्रेंड्स, सत श्री अकाल फ्रेंड्स। आज मैं बात करने वाली हूँ मनी प्लांट के पौधे पे। ठीक है, मनी प्लांट का जो पौधा होता है ये एक इंडोर प्लांट भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये इंडोर भी ग्रो हो जाता है और आउटडोर भी ग्रो हो जाता है। तो इसको इंडोर प्लांट इंडोर रखो तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, और इसको क्योंकि ये जो प्लांट है ये ज़्यादा धूप बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, इसको किसी ऐसी जगह पे रखना पड़ता है जहाँ बस मॉर्निंग की इसको थोड़ी सी 3-4 घंटे की धूप लगे, इससे ज़्यादा धूप की इसको ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मतलब सेमी शेड में रखें इसको, फुल सनलाइट में नहीं रखना। तो सेमी शेड में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, और अगर हम इसे अंदर रख रहे हैं तो इसको हमें मतलब अंदर रखा हुआ है तो कुछ महीने के बाद इसको बाहर निकाल के एक दिन की इसको मतलब सनलाइट वगैरह प्रोवाइड कर दीजिए तो इसकी ग्रोथ और भी अच्छी होगी। क्योंकि अंदर पड़े पड़े इसको ये थोड़े से इसके लीव थोड़े डल होने शुरू हो जाते हैं अगर ज़्यादा देर अंदर है, बट ये जो मनी प्लांट है हर जगह सर्वाइव कर जाता है। तो इसको हम कटिंग से बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं, तो आज मैं इसको कटिंग से ग्रो करने वाली हूँ। तो इसके लिए जो मैंने मिट्टी ली है तो इसमें मैंने काऊ डंग लिया है, और मेरे गार्डन की सॉइल है, और इसमें मैंने रेत मिक्स की है। तो इसका मेरा रेशो है कि इसमें मैंने 40% इसमें मेरी ये जो मिट्टी डाली हुई है मेरी गार्डन की सॉइल है, बाकी इसमें मैंने 30% इसमें मैंने ये डाला है काउडंक डाला है, बाकी की इसमें मैंने सैंडी सॉइल डाली है। ठीक है, इसमें अब क्योंकि इसको ग्रो करेंगे तो ये जल्दी रूट्स इसकी ग्रो हो जाती हैं, और मैं काउडंक मेरा मिट्टी में मैं मिक्स करके ही रखती हूँ, तो मैं हर प्लांट में डालती हूँ काउडंक। तो अब जो ये कटिंग है इसको, बस ये जो कटिंग है ना मेरी ये तोड़ते वक्त थोड़ी ख़राब हो गई है, तो इसको हम कट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से फिर ख़राब हो जाएगी, तो इसको मैं थोड़ी सी ऐसे काट दूंगी यहाँ से। ठीक है, ये फट गई थी जब मैंने उतारी ना तो ये टूट गई, तो इसको बस ऐसे कर देंगे, और इसके लीव्स जो एक्स्ट्रा लीव्स हैं वो उतार देंगे, क्योंकि हमें इसे नीचे दबाना है तो इसके लीव्स की ज़रूरत नहीं है, बस इसके लीव्स उतार दो। तो इसको बस ऐसे ही मिट्टी में ऐसे थोड़ा सा होल करके, बस ऐसे छोटा सा मिट्टी में होल करके इसको बस उस होल में ऐसे ग्रो कर देना हमें। इसको ओवर वाटरिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ओवर वाटरिंग करने से ये प्लांट ख़राब हो जाता है। ठीक है, इसको इतनी वाटरिंग, इसको पानी इसको डेली चाहिए, क्योंकि अगर इसको पानी नहीं डालोगे तो इसकी ग्रोथ होगी भी नहीं, ग्रोथ भी नहीं होगी इसकी। ठीक है, उसके लिए इसकी ग्रोथ के लिए इसमें पानी डालना, डेली पानी डालना बहुत ज़रूरी है। आप इसमें डेली पानी डालो, क्योंकि ये प्लांट नमी में ही ग्रो होता है, क्योंकि ये नमी पसंद करने वाला प्लांट है। अगर आप ज़्यादा ड्राई मिट्टी में होगे ना तो इसकी जो ये स्टेम्स है ना ये खाली खाली सी ग्रो होंगी। ठीक है, इसमें लीव्स कम होंगे अगर आप कम वाटरिंग मतलब पानी नहीं डालोगे या पानी ओवर वाटरिंग करोगे तो इसके लीव्स कम हो जाएंगे। तो बस इसको ऐसे छोटे छोटे होल करके बस इसको ऐसे ग्रो कर दो, और इसको ग्रो करने के बाद मेरे अब 2-3 दिन से बारिश हो रही है तो मेरी मिट्टी गीली है, तो भी मैं इस पर पानी बिल्कुल नहीं डालूँगी। ठीक है, पानी नहीं डालना मुझे इसमें, तो ये बहुत इजीली ग्रो हो जाएगी। अब जी ये जिस दिन ये सूख जाएगा ना 1-2 दिन में, क्योंकि जो काउडंक होता है ना ये भी नमी पकड़ के रखता है, ये जल्दी सूखता नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये रेत से तो पानी सारा निकल जाता है, ड्रेन हो जाता है, क्योंकि इसमें ओवर वाटरिंग भी ठीक नहीं है, ओवर वाटरिंग से भी ये प्लांट ख़राब हो जाता है, और अगर आप अंडर वाटरिंग करोगे तो भी ये प्लांट ख़राब हो जाता है। इसलिए इसको पानी हमें मिट्टी चेक करके देना है, कि अगर इसकी मिट्टी आपको ऊपर से सूखी लग रही है ना तब इसमें वाटरिंग कीजिए, अदरवाइज़ इसमें वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसकी मिट्टी में थोड़ी सी नमी रहनी चाहिए, उस नमी से ही इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी चलती रहती है। तो मैं इसकी और कटिंग्स में मनी प्लांट की कटिंग्स लेके आई थी, तो ये जो कटिंग है ये जो बड़ी ये देखो ये मैं कटिंग लेके आई थी, ये बड़ी वाली कटिंग है, तो मैं इसको भी इसी में ग्रो कर दूँगी। ठीक है, क्योंकि इसमें भी ये देखो ये लीव्स निकले हैं ना, तो इसके लीव्स मैं उतार दूँगी। ये वाले ये मैं 3-4 दिन हो गए मैं इसको लेके आई थी, तो ये बस पानी में रखी हुई है तब से मैंने, तो बस इसको ऐसे लीव्स को उतार देंगे। इसमें भी देखो ये रूट्स निकली हुई हैं, तो ये मैं कहीं से लेके आई थी, तो इसको भी मैं इसी में ग्रो कर दूंगी।
ये जो, क्योंकि जो मैंने अभी मैंने जिसकी कटिंग्स पहले ग्रो की हैं ये वाली, तो ये वेरीगेटेड वाली मनी प्लांट है मेरे पास, तो बस इसकी रूट्स को नीचे दबा देंगे। बस इसको ऐसे मिट्टी को अच्छे से दबा देना है ताकि इसमें एयर बबल्स ना रह जाएं, क्योंकि काउडंग के इसमें काउडंग डाला हुआ है, और अगर इससे एयर पॉकेट्स रह जाएंगी तो ये प्लांट फंगस पकड़ लेगी इसके रूट्स, क्योंकि उस पर फिर एसिड रिएक्शन होगा। तो क्योंकि ये जो काउडंग होता है ये भी एक एसिडिक खाद है, क्योंकि ये फिर अगर आप इसमें इस पर थोड़े से एयर बबल्स रह जाएंगे ना, तो ये फिर इसमें गैस बन जाएगी, गैस बनने से फिर प्लांट ख़राब होने का खतरा रहता है, इसलिए इसमें इसको अच्छे से दबा देना करने के बाद। नहीं तो कोई चीज़ लेके ना, जैसे कोई पेंसिल वगैरह ऐसे बस इसमें कर दो सारी, तो इसमें जो ये पॉकेट्स वगैरह होंगी ये निकल जाएंगी। बस इसको ऐसे ग्रो कर देना मनी प्लांट को, तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी, बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाती है मनी प्लांट की। ये बहुत इजी टू ग्रो है और इजी टू केयर है, इसकी कोई खास केयर नहीं करनी पड़ती, इसको ज़्यादा खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने इसमें, क्योंकि इसमें मैंने काउडंग डाला है, ठीक है, काउडंग डालने से हमेशा प्लांट की ग्रोथ बहुत जल्दी होने लग जाती है, ठीक है। इसमें वाटरिंग करनी है, अभी मैं 1-2 दिन ठहर के इसमें वाटरिंग करूँगी, क्योंकि ये मेरी मिट्टी गीली है, तो अगर मैं ज़्यादा वाटरिंग करूँगी तो इसकी रूट्स गल जाएंगी, ठीक है। इसलिए इसमें ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी, इसमें बस इसकी इतनी ही आप वाटरिंग रखो, सिर्फ थोड़ी सी नमी रखो, बस ये बहुत अच्छे से अपने आप भी डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो बस इसके लिए और कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। फर्टिलाइज़र में अगर आपने काउडंग नहीं मिक्स किया, ठीक है, इसमें हम कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, लीव कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, इसमें कोई भी कंपोस्ट वगैरह आप डाल दो तो ये बहुत अच्छे से रिकवर कर जाएगी। बट मनी प्लांट जो होती है इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, ओवर फर्टिलाइज़र करने से ना ये सड़ जाती है सारी, इसलिए ज़्यादा फर्टिलाइज़र इसमें डालना ही नहीं चाहिए। तो बस आप अगर आप कोई और यूज़ करते हो, कंपोस्ट वगैरह यूज़ करते हो, तो आप जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हो अपने प्लांट्स के लिए, या फिर आप नीम खली बोल, यहाँ सरसों की खली का जो लिक्विड होता है वो बनाते हो, तो वो भी इसमें कोई भी इसमें फर्टिलाइज़र चलेगा, क्योंकि ये मनी प्लांट है ना, बहुत ही ईजी टू ग्रो है, बहुत हार्डी प्लांट है। अगर आप एक बार ग्रो कर लोगे ना तो ये कभी नहीं जाएगा कहीं भी, तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती रहेगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने मतलब लास्ट सीज़न में मैंने कटिंग ग्रो की थी, तो ये देखो मेरा वो वाला प्लांट है, ये देखो ये मैंने कटिंग्स ग्रो की हुई हैं, तो ये देखो अब इसमें नई फुट नवी नई ग्रोथ होनी शुरू हो गई है। ये देखो ये वाला, ये मैंने छोटी छोटी सी ऐसी छोटी छोटी सी कटिंग्स लगाई थी, तो देखो इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी है। तो ये भी कटिंग से ग्रो किया हुआ है, और ये वेरीगेटेड वाला मनी प्लांट है, और जो मैंने छोटी कटिंग्स ग्रो की हैं तो वो वेरीगेटेड है, ये वाली, ये चारों कटिंग्स मेरी वेरीगेटेड मनी प्लांट की है, और ये मेरी दूसरी सिंपल डार्क ग्रीन कलर की मनी प्लांट है। तो बस इसको धूप में नहीं रखना, सेमी शेड में रखो, सेमी शेड में ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। इंडोर में रखना, इंडोर में रख लो, क्योंकि ये इंडोर प्लांट भी है, एयर प्योरीफायर भी है, तो बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। तो फ्रेंड्स मेरे देखो मोर आ गया, दीवार पे मोरनी चली गई, उड़ गई। तो ये देखो बस इसको वाटरिंग करो, एक टाइम डेली वाटरिंग करो, थोड़ी सी नमी रखो इसमें। फर्टिलाइज़र आप अगर काउडंग है तो इसमें जब इसको ग्रो करते हो ना, तो इसमें 30% तक इसमें काउडंग डाल दो, इसको कुछ नहीं होगा अगर काउडंग डालोगे, बस काउडंग से इसकी ग्रोथ। फिर आपको बार बार फर्टिलाइजिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप काउडंग नहीं डालोगे, कोई और मैन्योर डालोगे, तो आपको 15-20 दिन के बाद बार बार फर्टिलाइज़र डालना पड़ेगा। बट मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं तो एक बार काउडंग डालती हूँ ग्रो करते समय, दोबारा फिर मैं फर्टिलाइज़र नहीं डालती हूँ, तो इसकी फिर भी मेरे प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होती रहती है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, सत श्री अकाल।